वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मैडम आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये ऑप्शन है, जैसे आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट आई होगी आपके पास, या मैं कह सकता हूँ कि एक अवार्ड लिस्ट आई होगी कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है आपकी रैंक के अगेंस्ट, राइट। तो आप यदि उस एडमिशन की जो भी प्रोसेस या जो भी सीट अलॉट है उससे यदि आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप जाके यूनिवर्सिटी की उस कॉलेज पर रिपोर्ट करें और अपनी फी आप सबमिट कर दें जी। इन केस यदि आप उससे, जैसा आपने कहा कि आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपको उससे बेहतर ऑप्शन की तलाश है और बेहतर ऑप्शन की बेहतर कॉलेज में जाना चाहते हैं जी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो कि आपकी चॉइस है उसके लिए आपको फी जमा कर देनी चाहिए। और आपको जहां तक रिपोर्ट करने का सवाल है इंस्टीट्यूट में, वहां आप रिपोर्ट न करें और सेकेंड काउंसलिंग का वेट करें। राइट। सेकेंड काउंसलिंग में अपने आप यदि आपने अपनी चॉइस प्रेफरेंस फिल करी होगी, फिल करके लॉक किया होगा, नीचे जो ऑप्शन आया होगा इंस्टीट्यूट का नाम, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, और उसके बाद नीचे आया होगा लॉक करें या सेव करें। यदि आपने सेव कर दिया होगा तो आपकी प्रेफरेंस एज इट इज वो लॉक्ड है। सो आई थिंक सुधा जी आप काफी कुछ इस ट्रैक पर हैं, जैसा कि आपने कहा फी आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी है, तो आपकी एक सीट रिजर्व हो चुकी है। दूसरी बात, क्योंकि आपका एक जगह एडमिशन सीट रिजर्व हो चुका है, तो डेफिनेटली आप सेकंड कट ऑफ का वेट करिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, हमारे गेस्ट ने अभी अभी कहा कि अगर आपने अपनी वो ऑप्शन सेव करी होगी या लॉक करी होगी, तो डेफिनेटली जिस तरह जैसे ही सेकेंड लिस्ट आएगी आपको वो आपकी ऑप्शन एज इट इज मिल जाएगी। पर मैं यहाँ जानना चाहूंगी रितु जी आपसे, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कई बार जैसे कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप जाना चाहते हैं और डीयू में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, या कई बार स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हमें ये पर्टिकुलर कोर्स करना है और इसी कॉलेज से करना है, तो मास कॉम और जर्नलिज्म ऑलरेडी 5 कॉलेजेस में शायद चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या आपके पास भी ऐसी सिचुएशन कभी आती है, और ऐसे में आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि जहां नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, 90% से ज्यादा की मार चल रही है, वहां जरूरी क्या है अपने लिए, सीट रोकना, यानी वहां कोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो कॉलेज जहाँ हम जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, जिसमें भी जर्नलिज्म है, एडमिशन ले सकते हैं। सारे इक्विवेलेंट गुड हैं, सब में मल्टीमीडिया लैब्स हैं, सबका थ्योरी एग्जाम सेम होता है, सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इट्स बेटर जहाँ भी आपको एडमिशन मिले डीयू में, वहाँ पे आप ले लीजिए। वंडरफुल, यानी कोर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर कर रहा है कॉलेज से। आप ज़रूर, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो ज़रूर आप वेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वेट करने में आप अपनी सीट हाथ से गवा दें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। 2309-7532 हमारा नंबर है, खास तौर पर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। IPU यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े, अगर इस कोर्स से जुड़े आपके कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमें पूछ सकते हैं। मगर इस वक्त एक और कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए जी। पहले अपना नाम बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ये बोर्ड में नंबर्स आते हैं जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है जी। यादव जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये जो मेरिट कैसे बनाते हैं, जैसे एक तो बोर्ड में नंबर्स आते हैं प्लस और किस आधार पे नंबर ऐड करते हैं, इसमें जो 100% की जो कट ऑफ बनाते हैं ना जी, क्योंकि बोर्ड में तो 100% मार्क्स नहीं आ सकते, राइट, तो ये कैसे बनाते हैं मेरिट, ये वेटेड कैसे दी जाती परसेंटेज वाली? बिल्कुल ऋतु जी, क्योंकि हाँ जी, कुछ कोर्सेज में 100% भी कट ऑफ गया है। बिल्कुल, हाँ जी, तो उसके लिए बेस्ट 4 कैलकुलेट करते हैं, और मोस्टली ये साइंस के कोर्सेज में जाता है जी, बेस्ट जो बेस्ट 4 कैलकुलेट करते हैं, और PCM या PCB ये कैलकुलेट करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें। सो मास कॉम में किस तरह से आप परसेंटेज दे रहे हैं? मास कॉम में जो सबसे हाईएस्ट परसेंट डीयू में गया है वो 97.5 गया है फर्स्ट कट ऑफ में, उसके बाद सेकंड कट ऑफ में वो थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। ओके, तो उसमें हम बेस्ट 4 कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज कोर्स लेते हैं, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते हैं, ओके, उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, राइट। पर क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं डीयू के केस में, खास तौर पर कि कट ऑफ और गिर जाए और गिर जाए, और जहां तक IPU यूनिवर्सिटी की बात है, वहां डेफिनेटली जो रैंक आपने लिया है उसके बेस पर शायद अब कहीं लड़ाई सीट की है तो कहीं कॉलेज की है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स जो बहुत ज्यादा दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है, वहां आप दोनों को क्या लगता है, क्या इस पॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ एक ट्रेंड है,
या सिर्फ एक जिसे हम कहते हैं एक चमक, एक ग्लैमर है जिसकी वजह से वो बच्चे ऑप्ट करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं शाइन इंडिया जिसको हम बार बार कह रहे हैं, वाकई भारत जाग रहा है, हमारे यंगस्टर्स में सही और गलत की पहचान आ रही है और अब वो टिपिकल डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकिंग सेक्टर से हटकर भी और एरियाज में, खासतौर पर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अपना एक बेटर फ्यूचर देख रहे हैं। त्रिपाठी जी, पहले आप। मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि कोई भी जो ट्रेंड की बात होती है, ट्रेंड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तभी होता है जब दो चीजों से उसको मतलब सेटिस्फेक्शन मिले। एक तो ये कि फ्यूचर में उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और प्रेजेंट में ऐसा कोर्स हो जो उसके लिए कन्वीनियंट भी हो, अट्रैक्टिव भी हो और इसके अलावा जो इंड यूज है उसका, एम्प्लॉयमेंट उसको जनरेट हो। तो मेरा ये मानना है कि जर्नलिज्म एकमात्र ऐसा कोर्स जो प्रेजेंट टाइम में है कि जिसमें कोई भी बच्चा यदि करता है कोर्स तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी एक सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर में अवेलेबल होता है केवल एक कोर्स के साथ। जैसे मैं बात करूं बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, या बीए मास कम्युनिकेशन या बीए जर्नलिज्म ऑनर्स की बात हो रही है जो डीयू ऑफर कर रहा है। हमारी सारी 3 साल की पढ़ाई में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग या पब्लिकेशन, और जो आज की डेट में बहुत तेजी से पूरा बढ़ा है पूरे विश्व की मैं बात करूं तो वह है न्यू मीडिया। कुछ लोग उसको साइबर मीडिया भी कहते हैं, कुछ लोग उसको डिजिटल मीडिया भी कहते हैं, लेकिन इसके लबल आप यदि बात करें तो ये कौन सा ऐसा कोर्स है जो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ग्रेजुएट लेवल पे हो, 3 साल का कोर्स करके बच्चे के पास उसको किसी भी फील्ड में जाने की अवसर मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो प्रिंट मीडिया में भी जा सकता है, न्यूज़पेपर में। और मैं आज भी कह सकता हूं कि अभी 15 साल तक इस देश में प्रिंट मीडिया रहेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से न्यूज चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में दूरदर्शन सबसे बड़ा है, उसका अपना एक अलग यूएसपी है। साथ में हम लोग एडवर्टाइजिंग की बात करें, आज इस देश में बात करें तो कई 1000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। न्यू मीडिया, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आने वाला समय किस तरह से डिजिटल इंडिया के लिए या डिजिटल इंडिया के द्वारा न्यू मीडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। एक और फायदे अनेक। ऋतु जी, आप क्या कहेंगी इस कोर्स के बारे में, क्यों आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की तरफ आना चाहिए अगर आपने वो स्पार्क है तो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्टूडियो में बैठना या फिर एंकर बनना यहाँ तक सीमित नहीं है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का मतलब है प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, ठीक है, न्यूज एजेंसीज और फिल्म, सिनेमा और आपका टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है। और जैसे सर ने बताया न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, ये बहुत एक्सपैंड कर रहा है। एक इसने नया पर्सपेक्टिव दे दिया है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म को, और बहुत जरूरी है कि हम भी अपना एंगल थोड़ा सा वाइड करें और बढ़ते हुए उस एंगल, उस एरिना को देखें। इसी के साथ डॉक्टर त्रिपाठी, ऋतु जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुड इवनिंग इंडिया में आने के लिए और हमारे उन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को और ज्यादा इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।